यस ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, डू नॉट चेंज द कांस्टेंट. एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यस सर. नॉट चेंज. आज भी तो आज भी हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही पढ़ेंगे, बस उसमें होगा क्या चेंज, ये होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे. मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है? यस. क्या वैल्यू सर? क्या वैल्यू होती है जी की? 9.9. बोलो. 9.8. इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है. 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आज हम पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, और फ्री फॉल, और हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. वो उसको कुछ क्वेश्चन करने वाला. सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है. बोलो जरा फास्ट बोलो. v is equal to u plus at. सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड यस. थर्ड एरिया अंडर द एटी कर्व क्या बताता है? एरिया अंडर द एटी कर्व, एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी. यस, चेंज इन वेलोसिटी. अब हम देखते हैं मेन चीज, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. अच्छा देखो, क्या मैं बोलूं कि ए को रेफरेंस फ्रेम मान रहा हूं, स्टेशनरी फ्रेम ये है मान लो, तो मैं देखूं बी की डिस्टेंस रिलेटिव टू ए, डिस्टेंस ऑफ कार बी रिलेटिव टू ए, क्या एक्स बी बाई ए लिख सकता हूं मैं? देखो जब कभी लिख रहा है ना, मान लो एक्स बी बाई ए, या तो ऐसे लिखो इसको, और हम इसको ये भी लिख सकते एक्स बी ए. इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. समझ में आई बात? यस सर. डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या एक्स बी वाई ए होगा? सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या एक्स सी वाई बी होगा? होगा. यस सर. बात करूं सिमिलरली, क्या ए के रेस्पेक्ट में अगर सी की डिस्टेंस में देखूं, तो डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या एक्स सी बाई ए होगा? यस सर. क्या एक्स सी बाई ए इन दोनों के प्लस के बराबर होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को एड अगर कर दूं, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी? यस सर. अच्छा इसको डिस्टेंस को कर दिया. अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरी वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स ओवर डी टी होती है कि नहीं होती है? यस सर. सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होता है? डी वी ओवर डी टी होता है कि नहीं होता है? यस सर. अच्छा तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इस डिस्टेंसेस को या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी? यस सर. हमारे क्या हुआ, जो डिस्टेंसेस थे उसको डिफरेंशिएट किया, हमें मिल गई वेलोसिटी का रिलेशन. सिमिलरली इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू, एक और बार डिफरेंशिएट किया, डीवी ओवर डीटी होगा. डीवी ओवर डीटी को क्या हम एक्सीलरेशन बोलते हैं? यस सर. हमने क्या एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया. अब देखो ये जो कार बी थी उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. अच्छा इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो. जीरो होगा तो मैं क्या बोलूंगा, कार ए कार बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो इसको मैं क्या पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूं, तो क्या मेरा ये रिलेशन आ जाएगा? यस. तो यहाँ तक था हमारा डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. अब हमें दो कार है मूविंग कंडीशन में, अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है. अब मैं देखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी देख रहा हूं बी के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा,
वी ए स्लैश बी, या फिर मैं बोलूं कि वी ए बी बोल सकता हूं उसको, क्या बोलूंगा, वी ए बी, वी ए बी कैसे लिखूंगा, वी ए माइनस के वी बी. सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए को क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस के वेलोसिटी ऑफ कार ए. समझ में आई इतनी बात सबको? यस सर. जिसकी वेलोसिटी देख रहे होते हैं उसमें से जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है. अच्छा ये वी ए और वी बी क्या है, वी ए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड. ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. सिमिलरली वी बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड क्लियर है सबको? यस सर. यस यस. ओके अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने एक पेपर लिया, छत पर बैठा हूँ मैं आराम से, चिल कर रहा हूँ, हवा चल रही ठंडी ठंडी एकदम मजे से, बारिश का मौसम था तो उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो मैंने देखा एक पेपर लिया, मैंने सिंपल पेपर एक कॉपी से फाड़ के पेपर लिया या फिर एक वो शीट मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उसको खुला ऐसे क्लीन करके छोड़ दिया, उसके साथ ही साथ मैंने एक पत्थर का टुकड़ा, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया, इत्तू सा टुकड़ा लिया, उसको भी मैंने उसके साथ छोड़ दिया छत के ऊपर से, क्या वो दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे? अलग 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 पहुंचेंगे. क्यों पहुंचेंगे अलग अलग? सर एक लाइट वेटेड है और एक कम. अच्छा क्या, अच्छा अब वेट का मतलब है अगर मैं छोटा टुकड़ा लूं और एक बड़ी ईंट लूं पूरी ईंट, उन दोनों को अगर एक साथ फेंकू क्या वो दोनों अलग अलग पहुंचेंगे कि सेम टाइम पे पहुंचेंगे नीचे? सेम, अलग अलग. इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि जो भी हैवी वेट यानी कि जिसका वेट ज्यादा होता है वो ग्राउंड पे जल्दी पहुंचता है एज कंपेयर टू लो लो वेट के, यही कहना चाहते हो? yes, कोई कुछ और कहना चाहता है इसके अलावा, कुछ और कहना चाहता है कोई? क्योंकि आप सब लोग गलत कह रहे हो. सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी भी मैटर करती है. देखो जब पेपर को अगर हम देखें, पेपर का क्या सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है? yes, sir. देखो पेपर ऐसे लहराते हुए जा रहा है ना, ऐसे लहराते हुए नीचे जाता है कि नहीं जाता? लहराते हुए जाता है, लहराते हुए जाता है क्योंकि एयर उसके रास्ते में आ रही होती है. क्योंकि पेपर का वेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू उसके सरफेस एरिया के, इसीलिए एयर उसको थोड़ा बोलती है कि भैया इतनी तेज नीचे मत जाओ. एयर एक ड्रैग फोर्स लगाती है नीचे से. लेकिन जब आप पत्थर तो ईंट या फिर बहुत बड़ा पत्थर, उसका वेट उसके सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनके दोनों के कंडीशंस में दोनों एक साथ हैं. या फिर आप पेपर को और किसी ईंट को अगर आप वैक्यूम में फेंकोगे ना, वैक्यूम में, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे. दोनों कैसे पहुंचेंगे? एक साथ पहुंचेंगे. देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, पेपर को मैं पंख बोल देता हूँ, ये कोई पंख है, दिख रहे हैं आपको? यस सर. यस सर. क्या वैक्यूम में दोनों एक साथ आ रहे हैं, हैमर और आपका पंख जो है दोनों एक साथ आ रहे हैं, हथौड़ी और आ रहे हैं? क्या जहाँ पे एयर है वहां पे, जहाँ पे एयर है वहां पे हमारा जो पंख है वो स्लोली आ रहा है नीचे की तरफ? यस सर. क्यों आ रहा है, समझ में आ गया क्यों आ रहा है? Yes, sir. कि हमारा एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है जिसकी वजह से पंख हमारा धीमे धीमे नीचे आ रहा है. क्लियर है? yes, sir. मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने एक छोटा सा
टुकड़ा लिया स्टोन का, ये क्या है स्टोन है, और एक बड़ी ईंट ली, ये कोई माँ क्या है, ये पत्थर है कोई, जिसका वेट है, इस स्टोन का वेट है 1 kg और इसका वेट है 15 kg और दोनों को सेम टाइम पे नीचे की तरफ फेंका, ड्रॉप किया और ये ग्राउंड है, दोनों को ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, दोनों सेम टाइम में आएंगे या अलग अलग टाइम में आएंगे, बताओ अलग 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 वाले हैंड रेज करो पहले, हाँ अंशु बताओ बेटा कैसे अलग अलग, आपको कैसे लग रहा है कि अलग अलग है, सर जो छोटा स्टोन है वो पहले आ जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम है, और जो बड़ा वाला स्टोन है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एरिया को आप भूल जाओ, आप ये कंडीशन मानो कि वैक्यूम में हो रहा है सब, मान लो एयर है ही नहीं, हम जिनका वेट काफी ज्यादा होता है ना, जैसे मान लो भले ही देखो कंकड़ है उसका एरिया कम है लेकिन उसका वेट भी तो ज्यादा है, तो एरिया वहां पर मैटर नहीं करेगा, एरिया मैटर नहीं करेगा, आप ये मान लो वैक्यूम में गिरा रहा हूं, छोड़ो एयर को छोड़ो, आप वैक्यूम में गिराऊंगा तो क्या दोनों साथ पहुंचेंगे अलग अलग पहुंचेंगे, देखो जब एयर भी होती है ना, एयर होती है अपने एनवायरमेंट में, जैसे एयर है भी तब भी अगर हम एक छोटा टुकड़ा लू पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा लू, दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचे, दोनों एक साथ ग्राउंड, आई बात समझ में, यस तो अब हम देखने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ चुके हैं, मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं पहले, पढ़ चुके हैं कि नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इतने ये हम इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, बस जब एक जनरल इक्वेशन को हम जब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, तो ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, जी से, क्या कर देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे हम जी से, तो आप देखोगे v इक्वल टू यू प्लस एटी है, यहाँ पे हो गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो h इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो गया, तो यहाँ पे गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो लगता है वो किधर लगता है, अपवर्ड लगता है डाउनवर्ड लगता है, हमेशा हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, टुवर्ड्स द अर्थ लगता है हमेशा, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो चाहे नीचे फेंक रहे हो ऊपर से कहीं भी फेंको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ये चीज हमेशा याद रखनी। अच्छा हम जो साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग यही फॉलो करें, आपकी मर्जी है, लेकिन हम वो वाले साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ये वाले जिसमें कि मोस्ट ऑफ द बुक यही वाले साइन कन्वेंशन यूज करती है, ऐसा नहीं है कि भाई हम स्पेशल साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, काफी सारी बुक्स हैं जो कि यही वाले साइन कन्वेंशन यूज करती हैं, आप अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे नहीं मैं तो सर की बात नहीं मानूंगा, अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वो अलग साइन कन्वेंशन यूज कर सकता है, इसके जस्ट अपोजिट आपका आंसर करेक्ट आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम क्या मान के चलने वाले हैं, हम देखेंगे कि हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस ग्राउंड लेवल बोलो या फिर बोलो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे हम सारी चीजों को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, जीरो, उस लेवल पे सारी चीजों को हम जीरो मानेंगे, अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं, उससे अगर ऊपर जा रहे हैं तो सारी क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं हमारा डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो हम पॉजिटिव, डिस्टेंस अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, वेलोसिटी हमारा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव,
नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन ए को क्या ले लेंगे हम, माइनस के जी लेंगे। क्लियर है? ये डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो। एक और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लो ये आपका घर है और यहां पर टिका हुआ है घर आपका, ये आप खड़े हुए हो घर के ऊपर, आपके घर की हाइट है 5 मीटर, आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया इसको, ये आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो अब मुझे बताओ कि आपके घर की हाइट h इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस के 5 या प्लस के 5? माइनस के 5। देखो रेफरेंस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के 5। समझ में आई रही बात? अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसको ले लेता, अगर मैं बोलूं कि आप यहां पे खड़े थे, आप यहां पे खड़े थे, आपने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो आप क्या डिस्टेंस ऊपर की तरफ नाप रहे हो? Yes, sir. H equal to क्या लोगे? Yes, sir. Plus के 5। समझ में आएगा? ये डिपेंड करता है कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले रहे हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े क्वेश्चन से। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन करो, जरा क्वेश्चन करो। वेट करो, वेट वेट अंशिका, वेट करो जरा। अंशिका और शालिनी दो बच्चों का आंसर आ चुका है, वेट करो वेट, बाकी बच्चों का भी आने दो। काफी इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम, डायरेक्ट कुछ इक्वेशन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है। ओनली 6 बच्चों का आंसर आया है अभी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ओके 7-8 बच्चों का सेकंड है। थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का आया है? 3-4 लोगों का थर्ड ऑप्शन आया है। फोर्थ ऑप्शन कितने लोगों का आया है? फोर्थ, ओके चलो अपन लोग करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। क्या है देखो, उसने बोला है अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। मान लो कि ये कोई टावर है, कोई टावर है, इसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है, एक बॉय है जो कि इसके ऊपर खड़ा हुआ है, हवा चल रही है, मस्त खड़ा हुआ है एकदम। इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर हाइट है। मैंने माना कि ये बॉय खड़ा है, देखो हमेशा
एक काम करना कि जहां पे भी आप ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ना उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसी को मैंने क्या माना रेफरेंस। अच्छा इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो क्या मेरी हाइट इस डायरेक्शन में नाप रहा हूं मैं एच, क्या नेगेटिव की 20 आएगा ये सर, या फिर एस, या फिर एस बोल दो इसको, एस बोल दो एस माइनस के 20 मीटर। अच्छा देखो जी कितना आएगा, जी जी क्या माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जी तो माइनस के होगा ना। अब मैं पूछा क्या, अच्छा देखो एक चीज और, द हाइट ड्रॉप अ स्टोन, जहां पे भी आपको ड्रॉप वर्ड समझ में आ जाए ना ड्रॉप, एक ये रेस्ट पे है कि नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे रेस्ट पे है कि नहीं है, yes, sir. ये रेस्ट पे है और ड्रॉप कर रहा है तो क्या मेरा यू इक्वल टू जीरो होगा, yes, sir. और पूछा yes, क्या sir. है, पूछा क्या है, वी हमें पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें एस यू वी और जी आता हो, टी नहीं आता हो, v square equal to u square plus 2as, तो v square मुझे चाहिए equal to u square 0 का square plus 2 into a कितना है मेरा ये minus के 10 है, minus 10 minus 10 s कितना है, s s minus के 20 है, minus के 20 है, तो आप देखोगे इसको जरा solve करो, 2 2 जा 4 400 आएगा, v square equal to, क्या v equal to under root में 400 आएगा, under root में 400 यानी कि v equal to 20 meter per second आएगा कि नहीं आंसर, yes sir, clear है सबको, 20 meter per second कैसे आया, okay, अब इस question को करो जरा, ये question दो तीन questions का बना हुआ है, इसमें एक चीज याद रखनी है, जितना time आपको ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम आपको टॉप से डाउन पॉइंट, देखो जैसे ये बॉल यहां तक गई, बॉल यहां तक गई है ऊपर, गई है कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. जब बॉल, क्या जब बॉल यहां पे थी उस इंस्टेंट पे क्या इसकी वेलोसिटी जीरो थी कि नहीं थी, yes, sir. Yes, sir. जब yes, कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये मैं पेन हूँ, पेन को ऐसे फेंकूं तो जब ऊपर जाएगा, जब नीचे आने से पहले क्या एक बहुत छोटे माइक्रो सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, माइक्रो सेकंड के लिए फॉर अ माइक्रो सेकंड इसकी वेलोसिटी जीरो जरूर हुई होगी, तो वही वेलोसिटी हमने ले लिया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है, तो क्या ये जो जाएगा मैक्सिमम हाइट इतनी ही जाएगा एच, Yes, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता yes. क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई वर्टिकल, अब यहां से क्या करेगा नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, तो आपको याद रखना है कि जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम ऊपर से ग्राउंड तक आने में लगा, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन क्या लग रहा है जी लग रहा है कि नहीं, yes, sir. तो करो यार सिचुएशन हिंट दे दी मैंने, अब करो इस क्वेश्चन, टेक योर टाइम आराम से करो इस क्वेश्चन को,
आया किसी का आंसर? बेटा काफी टाइम हो गया, फर्स्ट एंड पार्ट का है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। हाँ, फर्स्ट पार्ट का क्या आया आंसर? सर 3 सेकंड। बेटा 3 सेकंड आपका ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में आया होगा, टॉप से नीचे भी तो आएगा भाई, जहां से गया है वहां तक लौट के आने में टोटल टाइम होगा, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 3 सेकंड जो आया है ना, तो 6 सेकंड हो जाएगा। कितना आएगा आंसर फर्स्ट का? 6 सेकंड। सेकंड का आंसर क्या आया है जो आपका? 45 मीटर। 45 मीटर। थर्ड का? ओके चलो देखते हैं। देखो जब हम फर्स्ट वाले को करोगे, आप इनिशियली देखो, इनिशियली आपको क्या वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दी है, यानी कि यू कितना दे रखा है, यू कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पे जाने के बाद में वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो क्या फाइनल वेलोसिटी वी मेरी 0 मीटर पर सेकंड है? है कि नहीं? वेलोसिटी जी मेरी वो वी 0 मीटर पर सेकंड होगी, और जी कितना है मेरा? जी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड उसका है। तो अब मैं क्या बोलूं, इक्वेशन कौन सी लगाऊं बताओ? यहां से t इक्वल टू 3 सेकंड आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इक्वल टू 3 सेकंड अगर आपका आ गया तो अच्छा। एक बात बताओ आपको, ये किसके लिए आया है? बॉटम से, बॉटम टू टॉप के लिए। सिमिलरली क्या टॉप टू बॉटम भी टाइम लगेगा? यस सर। अरे भाई बॉल जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो बॉल वापस भी तो आएगी, तो देखो जो बॉटम से टॉप तक टाइम लगा है उतना ही टाइम लगेगा हमारा टी डैश इक्वल टू कितना भी 3 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या हो जाएगा? टोटल टाइम 6 सेकंड। 3 + 3 कितना? 6 सेकंड। क्लियर है इतना सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमने ए हमारा 30 है, यू इतना है, वी जीरो है, हमने इक्वेशन लगाई टाइम ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना नीचे से ऊपर जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर एसेंट टाइम, और जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? डिसेंट टाइम। डिसेंट। तो ये हमारा 6 सेकंड आया, इतना मैंने अभी बता दिया। क्लियर है सबको? यस सर। देखो सेकंड, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड क्या है आपका? मैक्सिमम हाइट पूछा है। अच्छा देखो मैक्सिमम हाइट क्या हमारा यहीं तक पहुंचने में जो हाइट लगेगा वही मैक्सिमम होगा, लगेगा कि नहीं? और हमें यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था? 3 सेकंड। टॉप मोस्ट पॉइंट तक हमें 3 सेकंड लग रहा था, तो क्या मैं बोल दूं कि मेरा टाइम लग रहा है 3 सेकंड? मुझे चाहिए क्या? अच्छा एक चीज और बताओ, पहले हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। जब मेरा बॉल यहाँ पे था तो उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, जब मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है कि नहीं है? Yes, sir. 0 है। और देखो मुझे निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, मान मैं एस एच बोल दो या फिर बोल दो एस, क्या यही निकालनी है मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट के लिए देखो मुझे U दिया है, V दिया है और S दिया है, और G मेरा कितना होता है? जैसे A बोलो, O A होता है माइनस के G, माइनस के मतलब माइनस के 10 होता है कि नहीं? Yes sir. Yes. तो यही हमने अप्लाई कर दो इसमें, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V मेरा 0 है क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0 0 इनिशियली 30 है, प्लस 2a क्या है मेरा? माइनस के 10 है, तो माइनस आगे आ गया इनटू s, इसको सॉल्व करेंगे, इस 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 900 डिवाइडेड बाय 20 तो 45 मीटर, काफी बच्चों का आया भी है 45 मीटर। यस सर। सिमिलरली देखो लैंडिंग स्पीड क्या होती है, लैंडिंग स्पीड क्या होती है? देखो ये जो बॉल आपकी ऊपर जा रही है, जो लौट के आ रही थी, लौट के जब यहां पे आ रही है क्या उसी को हम बोलते हैं क्या? लैंडिंग स्पीड। लैंडिंग स्पीड जो यहां से गई, यहां से देखो यहां से गई उसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग स्पीड, और जो लौट के आ रही है उसको क्या बोलते हैं? लैंडिंग स्पीड। जो लौट के आ भी रही है ना एक वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड पर, गिर रही है कि नहीं गिर रही है बॉल?
अरे जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो क्या वो नीचे की तरफ आती है जब उसमें कुछ वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो टाइम कितना लग रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था? 3 seconds. तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने पे भी 3 seconds लगेगा? यहाँ से यहाँ तक आने में 3 seconds लग रहा है? Yes, sir. अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी 0 है? Yes, sir. और यहाँ की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या हमें v फाइनल या फिर बोल दो v फाइनल इक्वल टू u प्लस at, u मेरा 0 है, a क्या है माइनस के 10 इंटू t 3 सेकेंड, तो क्या मेरा v फाइनल इक्वल टू माइनस के 30 meters per second आ गया? माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब है bf इक्वल टू 30 meters per second इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया माइनस का मतलब क्या है? बॉल नीचे की तरफ आती है, ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आती है, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। A ball is thrown upward from the top of the tower of height 60 meters. 60 meter की height है एक tower की, उस पे कोई बंदा बैठा है, उसने ball को ऊपर की तरफ फेंका, पहले ऊपर की तरफ फेंका, क्या वो ball ऊपर जाके उसकी velocity 0 होगी फिर नीचे की तरफ आएगा? Yes sir. जैसे मैं इस pen को, ये pen दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अगर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ फेंकू, तो जैसे मान लो यहाँ इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट, मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में वेलोसिटी 0 होगी, तब नीचे की तरफ आएगा? Yes, sir. वही इसके साथ हो रहा है, जो बॉल है, बॉल इसने फेंकी पहले ऊपर की तरफ गई है वो, उसकी वेलोसिटी 0 हुई फिर नीचे की तरफ आने वाली है। करो इसको क्वेश्चन को सिंपल, आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से, एक इक्वेशन से आ जाएगा। वैसे दो तरीके हैं इसके, एक लेंथी मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, हम शॉर्टकट मेथड से कराएंगे क्योंकि हमें नीट क्लियर करना है, कम टाइम में आंसर निकालने हैं क्वेश्चंस के। हो रहा है, अंशु का आंसर आ चुका है बच्चों, अंशु थोड़ा सा और वेट करो, बाकी लोग भी कर लें एक बार।
अंशु बताओ क्या आंसर आया आपका। अंशु आया किसी का आंसर? सर 20√6 मीटर पर सेकंड। 20√6 ओके वेट करते हैं। और किसी का आंसर आया? ताओ? नहीं आ रहा, चलो मैं करवाता हूँ। यस सर 20√6। ओके वेट करते हैं, वेट मैं देखती हूँ सॉल्यूशन, देखते हैं क्या आ रहा है इसका। देखो अभी क्या करें हम, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं क्या? Yes, इसको रेफरेंस पॉइंट लिया तो क्या ये नेगेटिव होगा? यस सर। एस मेरा माइनस के 60 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो क्या मेरा यू इक्वल टू कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? अरे 20 मीटर पर सेकंड है ना इनिशियल वेलोसिटी, u मेरा 20 मीटर पर सेकंड हो गया, s मेरा माइनस के 60 मीटर हो गया, और a मेरा कितना हो गया माइनस के g यानी कि माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब चाहिए क्या? लैंडिंग स्पीड चाहिए। लैंडिंग स्पीड का मतलब है यहां से बॉल आए और ऐसे करके आए वापस और यहाँ पे आके जब टकराएगी तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए, यही वेलोसिटी चाहिए लैंडिंग स्पीड। यस सर। यानी कि v मुझे कैलकुलेट करनी है, t मुझे दिया नहीं है, t हमें दिया है क्या? नो सर। ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें t नहीं होता? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v स्क्वायर मुझे क्या है निकालना है, U कितना है मेरा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है मेरा माइनस के 10 है, S कितना है मेरा माइनस के 60 है कि नहीं है? यस सर। ये कितना हो गया 400 हो गया प्लस ये कितना होगा यारा 6 इंटू 2 6 इंटू कितना 12 यस सर 1200 होगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या 1600 हो जाएगा? 1600 तो क्या मेरा v इक्वल टू अंडर रूट में 1600 आएगा यानी कि v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड आएगा। यस सर। एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस के 40 मीटर पर सेकंड क्योंकि अंडर रूट से जब आती है ना तो उसको प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं? यस सर। इसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको कैसे आया आंसर? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके यस सर। इसको करो जरा, एक और क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करो इसको।
हो रहा है। शिव ओम का आंसर आ चुका है। 2 मिनट, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग, मैं सॉल्व करवाऊंगा। एक बच्चे का आंसर आया है अभी, ज्योति का भी आंसर आ चुका है। हम वेट 40 सेकंड और कर रहे हैं बस, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड वेट कर रहे हैं बस। आया किसी का? शिवम बताओ आंसर। शिवम, सर 80 मीटर पर सेकंड। बेटा टाइम पूछा है, फाइंड टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ज्योति, 80 मिनट। 80 मिनट। दीक्षा, सर 80 मिनट। विशाल, सर 80 मिनट। 80 मिनट में आंसर आया भाई, कैसे आंसर आ गया ये, इतना हैवी आंसर। चलो देखते हैं इसको, देखो। अच्छा इसमें एक बात बताओ कि अगर स्टोन आपका मूव कर रहा है, स्टोन आपका मूव कर रहा है और ये बैलून में रखा हुआ है, बैलून में स्टोन रखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे ये है स्टोन, क्या इस स्टोन की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी? इनिशियली होगी कि नहीं? यस तो सर। स्टोन कैसे जाएगा? क्या ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा? ऐसे ही ना आएगा? यस तो क्या मैं बोलूं या इसके लिए बोलूं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, क्या एस इक्वल टू माइनस के 60 मीटर होगा मेरे लिए? यस सर। एस क्या होगा? माइनस के 60 मीटर होगा। यस अब दूसरी बात बोलू, एस इक्वल टू माइनस के 60 हो गया, ए कितना होता है मेरा? माइनस के जी, माइनस के जी मतलब माइनस के 10 मीटर पर सेकंड उसका है। क्लियर है इतना? यस अब यू यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्या 5 मीटर पर सेकंड है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने क्या लिया? 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव कर लिया। हमें पूछा क्या है? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें एस हो, यू हो, ए हो, टी हो, वी ना हो। वी ना हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है। एस क्या है मेरा? माइनस के 60 है। इक्वल टू यू क्या है मेरा? 5 है। टी पता नहीं मुझे, प्लस हाफ ए मुझे पता है, माइनस के 10 है मेरा, इनटू टी स्क्वायर। क्या यहां से मेरा माइनस के 60 इक्वल टू 5 टी माइनस के 5 टी स्क्वायर आएगा? अब जरा इसको, इसमें मैं 5 का डिवाइड कर देता हूं और इस टी स्क्वायर को इधर ले आ रहा हूं, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी। टी स्क्वायर माइनस के टी माइनस के 12 इक्वल टू 0 बनेगी कि नहीं? क्या किया मैंने इस इक्वेशन में? डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड।
क्लियर है? यस यस सर। अब देखो इस 12 को क्या मैं, इस 12 को क्या मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस t स्क्वायर माइनस, इस t को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4t माइनस के 3t प्लस हो जाएगा ये, सॉरी माइनस के 12 इक्वल टू जीरो। आपको हाई स्कूल में ही फैक्टर करना बताया होगा ना? यस सर। इसको अब यहाँ से क्या करेंगे, t कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा t माइनस के 4 प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस के 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, t माइनस के 4 और t प्लस के 4 प्लस के 3 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से मेरा नेगेटिव का आएगा टाइम, नेगेटिव टाइम आएगा ना, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि टाइम नेगेटिव हो जाए, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेकंड होगा बेटा। आपका 80 मिनट आंसर आ रहा था, देखा कितना डिफरेंस आ रहा है आंसर में, आपका क्या आ रहा था 80 मिनट, ये उसका सॉल्यूशन। क्लियर है सबको कैसे हुआ था वो क्वेश्चन? Yes, sir. अब जो आपको होमवर्क आज का मिलेगा ना, मैं आपको अभी जस्ट क्लास के साथ में ही, नोट्स के साथ में ही आपको एक डीपीपी शीट शेयर करूंगा, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको पहले एक डीपीपी शीट शेयर की गई थी? यस सर। सिमिलरली इस शीट में भी काफी सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सबको लगाना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे वो क्वेश्चन नंबर या फिर आप मैसेज व्हाट्सएप पे कैसे भी करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा। अगर सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं, सॉल्यूशन वैसे है उसमें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं क्लास में या फिर क्लास के टाइम बाद में एक्स्ट्रा टाइम में किसी कुछ ना कुछ करके कर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, उसका वो डाउट क्लियर करवाऊंगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया जरा बताओ, बताओ क्या क्या पढ़ाया आज? Relative velocity and acceleration. Velocity and acceleration. और क्या पढ़ा सेकंड पे? Free fall. Free fall देखा। Third. Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी। फोर्थ पे क्या देखा था? क्वेश्चन। इसमें एनी डाउट किसी को? नो सर। कोई भी डाउट हो किसी को? नो सर। ओके, तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आप लोग तो उन क्वेश्चंस को लगा के आएंगे, दूसरी बात और रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? यस सर। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फिर अभी। नो सर। नो सर। ओके ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। वेलकम। बाय।